Welcome to Nepal by cycle. है हमारा लोकल स्टीवन रॉबर्ट टी गार्डन के अंदर अंदर का बोलो रे भैया। तो हाय हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो आज हम लोग सिलीगुड़ी पर यहाँ पर रुके थे, तो वहाँ पर से मस्त खाना दाना अभी हो गया, तो अभी राइट स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टारगेट है बिहार पर अररिया पर आज हमारा टारगेट है। तो यहाँ से बिहार का अररिया ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर होते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और टारगेट तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल भी होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो उरी बाबा भाई लोग, तो तुम्हारा भाई हो गया फेमस रोड पे वहाँ पर दिया न्यूज़ पर, मतलब क्या बोलते हैं उसका, मतलब न्यूज़ पर समझ लो आप लोग, न्यूज़ पर मतलब वहाँ पर न्यूज़ चैनल मिल गया था। होता वहाँ पर हम लोग, अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल मिल गया, तो वहाँ पर हम लोगों का इंटरव्यू लिया। हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, वो सवाल बहुत सवाल पूछा, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं पहली बार न्यूज़ चैनल के सामने बातें किया हूँ। तो जलगांव पे भी किया था हमारा, चिरांग पर, असम पर, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल पर भी हो गया न्यूज़ पर। तो तुम्हारा भाई तो ज़रूर वायरल हो जाएगा अभी। तो वेस्ट बंगाल वालों, वेस्ट बंगाल का भाई लोग जितना भी देख रहे हो मेरा इस वीडियो को, ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दो, और तुम्हारा जगह का नाम रोशन करो भाई, रोशन करो। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कितना दूर है अभी भी हमारा बिहार। तो यहाँ से बिहार अभी तक ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग बिहार का अररिया पर रुकेंगे, तो यहाँ पर है भाई, तो भाई को मैंने पीछे छोड़ दिया, अभी मैं तूफान के जैसा जाएंगे नहीं, यहाँ पर रुकेंगे इंसान के जैसा देखने वाला भालू। तो भालू भालू जी, और यहाँ पर है मेरा दोस्त और भाई साहब। इन भाई को मैं क्या ही बोलूँ, भाई बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है भाई। तो गाइस, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी टाइम रुके हैं, तो आप लोग खाला देख सकते हो घम घम कर पसीना निकल गया। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई समझ लेगा। तो अभी मुस भी लेता हूँ, कमसा बमसा कहाँ गया, तो हो गया। तो तुम्हारा भाई आज फुल जोश में है, लेकिन हालात कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो तुम्हारा भाई अभी यहाँ से 10 किलोमीटर बाद नेपाल बॉर्डर पे रुककर वीडियो बनाएगा, और आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा नेपाल का बॉर्डर, और हो सके तो नेपाल पे भी आज जाऊँगा। तो देखते हैं, और पीछे है एक भाई, तो भाई हाई बोल दो, हाई बोलो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे ना, तो भाई लोग यहाँ पर आ गया, तो भाई लोगों के साथ अभी सेल्फी उठेंगे, वो होगा कैमरा के बाहर। तो अभी कुछ सेल्फी वेल्फी उठते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। यहाँ पर कुछ हम लोगों को भाई लोग मिल गया, तो यहाँ पर है स्टीवन रॉबर्ट, तो वो था ना, तो मतलब रिवेल टू में था ना स्टीवन रॉबर्ट, तो यहाँ पर भी हमारा रियल लाइफ है स्टीवन रॉबर्ट हमको आज मिल गया। तो भाई यहाँ पर आ, तो यहाँ पर है हमारा लोकल स्टीवन रॉबर्ट। तो भाई कैसे हो, ठीक है तो भाई मतलब हम लोग रास्ते से जा रहा था ना, तो हम लोगों को अभी मिल गया स्टीवन रॉबर्ट। तो भाई हाय बोल दो एक बार, हाय गाइस। हाँ भाई को भाई के साथ मीट करके ना बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट नाम है स्टीवन रॉबर्ट। तो क्या ही बोला मैं, कैमरा को लेके, तो अभी मस्त मस्त भाई लोगों के साथ फोटो उठेंगे, तो ये होगा कैमरा के बाहर। तो आप लोगों के साथ मिलता हूँ राइट पे, और अभी कुछ फोटो वोटो क्लिक करता हूँ। तो अरे बाबा भाई लोग, तो मैं बचपन में सोचा था कि हमारा असम पे ही शिव टी गार्डन है, तो आज ऐसा लग रहा है कि सिर्फ असम पे नहीं भाई, ऑल इंडिया ऑल ओवर पर टी गार्डन है। तो यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हो, बहुत बड़ा भाई, मतलब क्या बोलो, बहुत बड़ा टी गार्डन है। वेस्ट बंगाल पर भी बहुत बड़ा टी गार्डन है, तो
टी गार्डन के अंदर अंदर कुत्ता लोग पकड़ नहीं बोला था तो फंस गया, मैं फंस गया तो अभी भाई लोग अगर कुत्ते का क्या बोलो, डर लग रहा है भाई। तो मतलब मतलब ऑलमोस्ट 10 डॉग्स था वहाँ पर, एक भी पकड़ नहीं पाया तो इतना जोर था भागा ना तो मैं इतना जोर से भागा ना, कुत्ता लोग क्या शेर भी पकड़ नहीं पाएगा तुम्हारा भाई को। तो तुम्हारा भाई प्रोफेशनल राइडर है भाई, प्रोफेशनल। तो यहाँ पर मिल गया हम लोगों को एक छोटा मोटा सा टूल गेट, तो यहाँ से हम लोग कभी जाएंगे तो यहाँ का टूल गेट का नज़ारा देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ तक तो सफ़र ठीक ठाक ही है, तो मंजिल भी अभी बहुत दूर है और देखते हैं कहाँ तक आ जाएंगे। तो हमारा आज का टारगेट है अरारिया बिहार, तो देखते हैं अरारिया बिहार और कितना दूर है। तो ऑलराइट गाइस, साइकिल चलाते चलाते यहाँ पर आके रुके हैं। तो अभी आप लोगों को एक बात बोलूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो आप लोग जानना चाहते हो अभी हम लोग कहाँ पर है, तो आप लोग सुनो। तो अभी हम लोग दार्जिलिंग पे है, तो ये है दार्जिलिंग। तो यहाँ पर क्या बात है पता है वो? तो यहाँ पर हमारा जो बांग्ला मूवी है ना, वो देव का मूवी। कौन कौन बांग्ला मूवी देखता हो, मतलब कौन कौन बांग्ला मूवी बांग्ला सिनेमा देखते हो आप लोग, कमेंट पर बताना। और देव को कौन कौन पसंद है हो वो ज़रूर बताना। तो ये है दार्जिलिंग। तो यहाँ पर हुआ था मन मने ना वो क्या था इसका, कोयल ना, पायल मिल गया मैं वो। तो यहाँ पर शायद हुआ था। तो ये है दार्जिलिंग का मेन रूट। तो इस तरफ तो हम लोग किस तरफ से आए थे, तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा इस तरफ जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाएंगे रोड का थोड़े टाइम बाद। अभी थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो, पसीना निकल गए रे भैया। तो अभी कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। और आप लोग फेस को अभी इग्नोर करो, तुमको तो आसमान में होना चाहिए, मगर तुम तो यहाँ पर अकेले बैठे हो। तो आज तो बहुत ज़्यादा धूप है, मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ अभी मुझे खुद को ही पता नहीं है। गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, अब वीडियो करने का कोई भी इरादा नहीं है। फिर भी इतना कष्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ के जैसा हालत है। तो देखिए और कष्ट करके अभी हम लोग ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग है नेपाल बॉर्डर पानी टिंकी। तो इस जगह का नाम है नेपाल बॉर्डर पानी टिंकी। तो मतलब उस ब्रिज को आप लोग देख रहे हो ना, वहाँ पर तो उस ब्रिज को अगर हम लोग अभी क्रॉस कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा नेपाल बॉर्डर। तो तुम्हारा भाई जाएगा आज नेपाल और वहाँ पर जाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक भाई मिल गया। तो भाई इस जगह का नाम क्या है, तुम अच्छी तरह से बोल दो। नेपाल बॉर्डर पानी टंकी। हाँ, जो मैंने बोला था वही है। तो बीच में बात मतलब आप लोग बात में बात बोलना कि मैं झूठ बोला, नेपाल बॉर्डर पानी टंकी। तो भाई तो हालत सलात सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। तो बहुत अच्छा लगा भाई लोग भाई के साथ मिल के। तो अभी जाएंगे नेपाल बॉर्डर पर और आप लोगों के सीधा तो आप लोगों के साथ सीधा नेपाल बॉर्डर पर मिलते हैं। और
भी खाते हैं और लोगों को नेपाल बड़ा। यहाँ पर है एक भाई का शॉप जो प्रधान डीजल का नाम से फेमस है, तो बहुत फेमस है। तो एक्चुअली नेपाल बॉर्डर के आसपास ही है, तो यहाँ का ओनर मतलब हमारा दादा ही है यहाँ पर। तो दादा कुछ बोलिए हमारा व्यूअर को। ठीक ही है, अब आप लोग जा रहे हैं किस तरफ, लद्दाख तरफ? हाँ, जा रहे हैं तो नेपाल होते हुए जाइए। हाँ, होते उत्तराखंड होते हुए। हाँ, निकल जाएंगे। हाँ, उस तरफ से। हाँ, हाँ, सेफ जर्नी। हाँ, आराम आराम से जाइए। हाँ, है ना। हाँ, थैंक यू दादा। तो एक्चुअली ये दादा का शॉप है, तो हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ी टाइम रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर से राइड कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के साथ सीधा राइड पर मिलता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, अभी मैं हूँ नेपाल पर, तो यहाँ पर वीडियो करने का अलाउ नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए बॉर्डर पर मतलब वीडियो कर रहा हूँ। तो कोई अगर पुलिस वाला देख लेगा ना तो मुझे पकड़ लेगा। तो जल्दी जल्दी ऐसे जाता हूँ, तो उसके बाद मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो असम का लौंडा आ गया है नेपाल पर। तो आज ऑल राइट गाइस, असम का लौंडा फाइनली आ गया नेपाल पर। तो वहाँ पर हम लोग नेपाल का अभी सिम बनाएंगे, तो उसके बाद नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत मस्त मस्त आने वाला है अभी नेपाल का। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। चले लिया कुछ सिम तो शॉप पे लिया था।